नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अचानक बढ़ा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, एक्टिव केस 100 के पार, मंत्री लेसी सिंह हुई पॉजिटिव। चंपारण को नीतीश कुमार का एक और उपहार, वाल्मीकि नगर में बनेगा सभागार और गेस्ट हाउस, जाने कैसा होगा परिसर। पटना में घर घर जाकर लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज, आंगनबाड़ी सेविकाएं बनाएंगी लिस्ट। गया में नई बीमारी से 4 की मौत, दहशत में ग्रामीण, गांव छोड़ने को है तैयार, जांच करने पहुंची मेडिकल टीम। बिहार में बिजली दर 10% बढ़ाने की याचिका पर फिर सुनवाई, 5 तक आम लोग दे सकेंगे सुझाव व आपत्तियां। काउंसिलिंग को लेकर प्रारंभिक शिक्षकों का नया शेड्यूल जारी, 1, 2 और 4 जुलाई को होगी काउंसिलिंग। DRDO में साइंटिस्ट के 58 पदों पर वैकेंसी, जान ले आवेदन की अंतिम तिथि। लालू प्रसाद यादव लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, नॉमिनेशन के लिए दिल्ली होंगे रवाना। तेज धूप, उमस और गर्म हवा के बीच बिहार में कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ही कोरोना के कुल 44 नए मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। अकेले पटना में ही पिछले 24 घंटे के अंदर 27 मरीज अस्पतालों में आ गए हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। अचानक इतने कोरोना के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच और टीकाकरण की संख्या बढ़ाने और कोरोना गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिया है। पटना के सिविल सर्जन ने बताया है कि पाटलिपुत्रा, नेहरू नगर, कंकड़बाग, MIG कॉलोनी समेत कई इलाके हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। कोरोना पीड़ितों में बिहार की मंत्री लेसी सिंह भी शामिल है। रविवार को उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बताया जाता है कि कोरोना के लक्षण आने पर लेसी सिंह ने एंटीजन टेस्ट कराया था। जांच के बाद मंत्री लेसी सिंह कोरोना संक्रमित पाई गई। इसके बाद उन्होंने RT-PCR टेस्ट भी कराया, जिसकी रिपोर्ट भी रविवार को पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंपारण को एक और उपहार दिया है। चंपारण को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार लगातार काम कर रही है। प्राकृतिक की गोद में बसे वाल्मीकि नगर तक पर्यटकों को न सिर्फ ले जाने बल्कि सरकार उनके वहां ठहरने की भी विश्व स्तरीय व्यवस्था करने जा रही है। अमूमन दक्षिण बिहार आने वाले पर्यटक चंपारण जैसी जगहों पर इसीलिए नहीं जा पाते हैं कि वहां ठहरने की सही व्यवस्था नहीं है, और सुबह जाकर शाम में पटना लौट आना काफी थकान भरा सफर हो जाता है। ऐसे में चंपारण में ठहरने की एक बेहतर व्यवस्था की कमी सबको महसूस हो रही थी। इसी को लेकर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया है कि वाल्मीकि नगर के 25 एकड़ भूभाग में आधुनिक एवं उच्च कोटि का वाल्मीकि सभागार और गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। वाल्मीकि सभागार एंड गेस्ट हाउस का निर्माण शुरू कराने के लिए सचिव भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक भी हुई है। पटना जिले में कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों में घर घर पहुंचकर तीसरा डोज लगाएगा। प्रखंडों में पंचायत स्तर पर इसका माइक्रो प्लान बनाया गया है और इस अभियान में आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं की सहायता ली जाएगी। आशा और आंगनबाड़ी सेविकाएं घरों तक जाकर लिस्ट बनाएंगी कि किन किन लोगों को तीसरा डोज लेने की तिथि आ चुकी है, उन्होंने अब तक यह नहीं लिया है। इसके साथ ही पहला व दूसरा डोज नहीं लेने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। आशा व आंगनबाड़ी सेविकाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सुनिश्चित करवाएं। गया जिले के भदवर थाना क्षेत्र के भदवर गांव में एक सप्ताह के अंदर 4 लोगों की अज्ञात बीमारी से मौत हो गई है। मृतकों में 3 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल है। 2 दिनों के बीच 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें शुक्रवार को 2 सगी बहनों की मौत हो गई थी। मृतकों की उम्र 35 से 55 वर्ष तक के हैं। बीमारी का पता नहीं चल पाने से ग्रामीण गाँव छोड़कर भागने का मन बना रहे हैं। हालांकि शनिवार को मामले की जानकारी मिलने पर मेडिकल टीम ने भदवर गांव पहुंचकर बीमारी से ग्रसित 2 लोगों के रक्त के नमूने लिए हैं। भदवर गांव के महादलित टोले में करीब 80 घर हैं। यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी तरह लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीण रामाशीष, जोगिंदर, मुनारिक भारती, श्रीदेवी आदि ने बताया कि अज्ञात बीमारी का पता नहीं चलने से लोग सहमे हैं और पलायन करने का मन बना रहे हैं। इधर हम के प्रखंड अध्यक्ष श्याम सुंदर भारती ने कहा कि भदवर गाँव में चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण लोग डरे हुए हैं, जिससे लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है।
बिजली कंपनियों द्वारा लगभग 10% बिजली दर बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग में दायर पुनः समीक्षा याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में इच्छुक व्यक्ति या संगठन 5 जुलाई की शाम 5 बजे तक विद्युत भवन स्थित बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सचिव के सामने अपनी टिप्पणी, सुझाव, आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इस मामले में आयोग के कोर्ट रूम में अगली सुनवाई 12 जुलाई 2022 की सुबह 11:30 बजे की जाएगी। सब कुछ सामान्य रहा तो इस दिन याचिका पर निर्णय भी हो सकता है। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा व सदस्य SC चौरसिया ने दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को निर्देश दिया है कि वे याचिका को व्यापक रूप से विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करें, साथ कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे अपलोड करते हुए आम जनता और हितधारकों से टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करें। प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग जहां जहां नहीं हो पाई थी वहां के लिए शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। प्रारंभिक शिक्षकों का नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब 1, 2 और 4 जुलाई को काउंसलिंग होगी। साथ ही अगले चरण की नियुक्ति के लिए गणना का कार्य प्रगति पर है। बता दें कि कई नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से औपबंधिक मेगा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, अंतिम मेगा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने, नियोजन इकाई के सचिव अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने या असहयोग करने के कारण या काउंसलिंग पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से रद्द होने के कारण काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी थी। विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा की गई, जिसके बाद यह निर्णय लिए गए कि ऐसे नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग की सफल प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, उन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराया जाएगा और चयन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिस्ट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसको लेकर DRDO ने नोटिफिकेशन जारी किया है। DRDO में कुल 58 रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट rac.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 28 जून 2022 के बाद अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि DRDO ने साइंटिस्ट सी के 34 पद, साइंटिस्ट डी के 15 पद, साइंटिस्ट ई के 6 पद और साइंटिस्ट एप के 3 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस क्षेत्र में काम करने का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको बता दें कि DRDO के इन पदों पर एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। साइंटिस्ट सी के पदों पर अधिकतम आयु सीमा 35 साल, साइंटिस्ट एफ के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 50 साल से कम होना चाहिए, वहीं अन्य पदों के लिए 45 साल तय किया गया है। सारण के रहने वाले लालू प्रसाद यादव इस बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वे 2017 के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नामांकन तो दाखिल किया था, लेकिन प्रस्तावक का संख्या बल पूरा नहीं होने के कारण उनका नामांकन रद्द हो गया था। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ नामांकन करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली है। दरअसल सारण के मढ़ौरा नगर पंचायत क्षेत्र स्थित यादव रहीमपुर के निवासी लालू प्रसाद यादव वार्ड पार्षद से लेकर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद समेत कई चुनावों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। साल 2001 में उन्होंने पहली बार मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था। साल 2006 और 2011 में भी वार्ड पार्षद चुनाव में कूदे, लेकिन यहां भी उनकी किस्मत दगा दी गई। साल 2014 और 2019 में छपरा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। सारण के धरती पकड़ लालू प्रसाद यादव को विश्वास है कि जनता उन्हें एक बार मौका जरूर देगी, वे सदन में जरूर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 100 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। फिलहाल उनके पास 40 प्रस्तावक हैं और बाकी 60 प्रस्तावकों की व्यवस्था भी वे जल्द कर लेंगे। पटना का एम्स अस्पताल में लोग अक्सर बेहतर इलाज एवं सुविधा के लिए आते हैं, लेकिन पटना एम्स से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान महिला मरीज के पेट में रुई छोड़ दी। इस महिला की सर्जरी बीते साल सितंबर महीने में हुई थी। ऑपरेशन के 9 महीने बाद जब महिला के पेट में दर्द उठा तो अल्ट्रासाउंड कराया गया, जहां जांच में पेट के अंदर रुई होने की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का नाम पूजा कुमारी है और वह पटना के दानापुर स्थित सगुना मोड़ की रहने वाली है।
वह खुद मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। बताया जा रहा है कि 14 सितंबर 2021 को पटना एम्स में उनकी डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए हुई थी। एम्स के संबंधित विभाग की एचओडी और डीन डॉक्टर हिमानी और उनकी टीम ने महिला मरीज की डिलीवरी कराई थी। ऑपरेशन के 15 दिन बाद ही टाका पक गया तो एम्स दिखाने के लिए पूजा दोबारा आई थी। इस पर डॉक्टर हिमानी ने फटकार लगाते हुए कहा था कि लापरवाही की वजह से टाका पक गया है, जिसका कोई नहीं उन लोगों का एसकेएमसीएच सहारा बनेगा। एसकेएमसीएच में बेसहारा मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर उनकी बेहतर देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। एसकेएमसीएच में मेडिसिन वार्ड के पास स्थित खाली जमीन में भवन बनाया जा रहा है। बेसहारा वार्ड में अन्य वार्ड की तरह 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ व स्टाफ नर्स तैनात रहेंगी, जो कि भर्ती मरीज की देखभाल करेंगे। यही नहीं, बेसहारा वार्ड में भी भर्ती मरीज को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तीनों टाइम खाना व समय पर दवा खिलाने के लिए बाकायदा एक केयर टेकर भी तैनात किया जाएगा। शुरुआत में बेसहारा वार्ड में 30 महिला व 30 पुरुष बेड की व्यवस्था होगी, लेकिन बेसहारा मरीजों की संख्या बढ़ने पर लावारिस वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। एसकेएमसीएच के अधीक्षक बाबू साहब झा के मन में अस्पताल में लावारिस वार्ड बनाने का विचार उस समय आया जब वह बीते दिनों रूटीन में वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बेसुध व्यक्ति को स्थानीय लोग इलाज के लिए एसकेएमसीएच के वार्ड में छोड़ गए हैं, लेकिन इलाज के दौरान लावारिस व्यक्ति के पास कोई परिजन मौजूद नहीं था। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।